पहले से ही मैं अवेयर कर रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ, लेकिन अवेयर करना मेरा काम है तो मैं करूँगी टाइम टू टाइम। अब ऑक्टेट रूल की अगर हम बात करें एक्सेप्शन में, तो भाई मोर देन 8 भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, मोर देन 8 हो जाते हैं तो ऐसी स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोलते हैं। जैसे ये एग्जांपल हमें देखने को मिल सकते हैं, एक मॉलिक्यूल होता है SF6, एक मॉलिक्यूल होता है PCl5। ये जो सल्फर है इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, इसके आउटर शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, लेकिन SF6 जब बनता है तो SF6 कुछ इस तरीके से बनता है। सल्फर को 6 फ्लोरीन एटम अटैच हो जाते हैं सल्फर से। तो अगर आप देखो तो सल्फर को रिक्वायरमेंट ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 की ही थी ना, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन कितने मिल गए, एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन से, दूसरा इससे, तीसरा इससे, चौथा इससे, पांचवा इससे, छठा इससे, 6 इलेक्ट्रॉन मिल गए। ऑलरेडी इसके पास आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, अब 6 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से मिल गए इसको, तो इसका सिस्टम 12 इलेक्ट्रॉन वाला हो जाएगा सल्फर। फ्लोरीन को आपका फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन थे, फ्लोरीन ने केवल सिंगल बॉन्ड बनाया सल्फर के साथ, तो फ्लोरीन के तो 80 कंप्लीट हुए, लेकिन सल्फर सेंटर में है, इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम, और इस सेंट्रल एटम के पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हम बोलते हैं कि ये आपके ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, और इसमें इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। क्लियर है बात? ऐसे ही PCl5 की अगर बात करो तो PCl5 भी इसी तरीके से बनेगा, एक स्ट्रक्चर होता है IF7। IF7 को अगर देखो तो आयोडीन बीच में होता है, 7 फ्लोरीन इसके साथ अटैच हो जाते हैं। अब आयोडीन, क्योंकि आपका आयोडीन 7th ग्रुप का होता है, मतलब 17 ग्रुप का ये भी है, फ्लोरीन भी है, तो इसके लास्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो आयोडीन की रिक्वायरमेंट केवल 1 इलेक्ट्रॉन की थी, अगर 1 फ्लोरीन इसके साथ आके अटैच होता तो भी बात बन जाती, लेकिन 7 फ्लोरीन आ गए तो चाहिए तो था कि 1 ही चाहिए था इसको, लेकिन इसके साथ कितने आ गए आकर के अटैच हो गए 7, तो पहले से ही 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 फ्लोरीन से मिल गए, तो इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। तो ये भी क्या हो गया, आयोडीन भी क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। ऑक्टेट रूल को फॉलो करने का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्लियर है बात सबको? फॉलो करने वाले तो बहुत सारे हैं ना, CH4, CCl4, CH3Cl, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं कंप्लीट करने के लिए, तो हाइड्रोजन के पास 1 होता है, 1 इसने कार्बन से ले लिया, सिंगल बॉन्ड बना लिया। इस हाइड्रोजन की भी यही पोजीशन है, इसकी भी यही है और इसकी भी यही है। कार्बन को अगर देखो तो 6 एटॉमिक नंबर होता है, आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 चाहिए थे, 1 इससे, 1 इससे, 1 इससे, 1 इससे ले लिया, चारों से ले लिया, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 4 तो पहले थे और 4 और ले लिए, 4 हाइड्रोजन से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे भी अगर देखो तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास 4 होते हैं, तो चारों से एक एक ले लिया, और इस क्लोरीन ने इससे एक लिया, इससे एक लिया, तो इन सब में भी सेंट्रल एटम के पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन, एक एक हाइड्रोजन से, एक क्लोरीन से। तो ऐसी स्पीसीज जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल को जो फॉलो करते हैं और सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज स्पीसीज।
जितने चाहिए थे उतने ही। अब कुछ ऐसे भी होंगे जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होंगे, मतलब उसमें 8 से कम होगा। ये प्रीसाइज थे, इसके पहले वाले थे जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे आपके सेंट्रल एटम। कुछ ऐसे होंगे जिनके पास कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मतलब लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे। जैसे एग्जांपल हमने पढ़ा था BF3, बोरॉन को अगर देखो तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है तो लास्ट में इसके 3 होते हैं, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है तो इसके लास्ट में 7 होते हैं। फ्लोरीन को तो चाहिए कितने, 1 ही चाहिए, और इसको चाहिए 5, लेकिन इसके पास 3 फ्लोरीन ही आते हैं। भाई अगर लास्ट में देखो तो 3 इलेक्ट्रॉन थे और 3 फ्लोरीन से एक एक और ले लिया, तो 3 थे और 3 और ले लिया तो 6 हो गए, लेकिन अभी भी 8 थोड़ी हुए, लेस देन 8 है ना। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। अभी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है उसको हम लोग लुइस एसिड बोलते हैं। क्लियर है बात यहां तक की? अब देखो कुछ और भी होते हैं, जैसे कि BCl2 ले लो, AlCl3 ले लो, BH2 ले लो, LiCl ले लो। ये सब ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। जैसे बेरिलियम की बात करो तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास बेरिलियम के बेचारे के पास 2 Cl आए केवल, तो 2 Cl तो एक एक ही सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो एक एक ही इलेक्ट्रॉन देंगे। तो पहला बेचारा गरीब था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब 2 और मिल गए तो कितना ज़्यादा हो गया बेचारे के पास, ज़्यादा तो हुआ नहीं, 4 ही इलेक्ट्रॉन है तो 8 तो हुए नहीं। तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी बोलते हैं, जिनके पास 8 से कम हो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे तो आप बता लोगे। ऐसे बोल दें इनकम्प्लीट ऑक्टेट इज प्रेजेंटेड, ऐसे दे दें, IF7 दे दिया, CH4 दे दिया, BF3 दे दिया, BCl2 दे दिया। तो आपको पता है ये तो ज़्यादा वाला है, ये प्री साइज है, इसमें 8 होते हैं, जितने चाहिए उतने ही हैं। आयोडीन के पास 14 हो जाते हैं क्योंकि इसके पास 7 होते हैं और 7 इससे मिल गए, 14 ज़्यादा होगा। कमी किस में होती है, इनकम्प्लीट किस में होता है, कम्प्लीट नहीं होता, BF3 में। तो इस ये हो जाएगा एक ऑप्शन और एक मल्टीपल करेक्टर। क्लियर है बात, ठीक है। तो आपका एक हो गया इलेक्ट्रॉन रिच हो गए, एक हो गया इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट या इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और इलेक्ट्रॉन रिच वाले को हम लोग एक नाम और देते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड का मतलब क्या है, 8 से ज्यादा हो गए ना तो एक्सपेंड कर दिया, मतलब ऑक्टेट होना चाहिए था लेकिन ऑक्टेट से ऊपर चलेगा, तो इसको एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अब क्वेश्चन किसी भी नेम से बनाया जा सकता है, इसलिए आपको सारे नाम पता होना चाहिए। क्लियर है बात? अब
आप देखो जैसे कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं। अब देखो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या है, जैसे देखो हम बॉन्ड की, अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड में हम किस तरीके की बात करते हैं, हम बोलते हैं जैसे सिंगल बॉन्ड है, मान लो किसी के दो के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हम बोलते हैं दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, है ना, यूज हुए बॉन्डिंग। अगर हमने बोला मान लो ये डबल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे कि चार इलेक्ट्रॉन, एक दो एक दो, भाई एक एक किसने इधर से दिया, फिर एक एक किसने इधर से दिया, चार। अब मान लो हमने बोला कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो मतलब सिक्स इलेक्ट्रॉन, तो ये इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बीच में, यहाँ पे फोर दिखाई दे रहे हैं बीच में, यहाँ पे सिक्स दिख रहे हैं, तो ये इवन नंबर दिख रहा है। कहीं पे कुछ बॉन्ड ऐसे बने जहाँ पे जैसे थ्री इस तरीके का आपको नंबर इलेक्ट्रॉन का दिखाई दे, तब उसको बोलते हैं हम लोग ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, मतलब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर ऑड है बॉन्डिंग तो उसको बोलते हैं। जैसे एग्जांपल अगर लें, सबको बात क्लियर हो रही है, आयु, शिरायु, सारांश, देवांग, कोमल, रिद्धिमा, विकास विधि, सब लोग बताइएगा, है ना। देखो जैसे हम बात करें एनओ मॉलिक्यूल की, एनओ बनाते हैं तो एनओ की अगर बॉन्डिंग करो तुम तो नाइट्रोजन को अगर देखो तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है तो लास्ट में इसके 5 होते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 तो लास्ट में इसके 6 होते हैं, तो इसको 3 रिक्वायर्ड है 8 पूरे करने के लिए, और इसको कितने रिक्वायर्ड है, 2 रिक्वायर्ड है, देख पा रहा है, तो 2 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये होगी ठीक है भाई, 2 की रिक्वायरमेंट थी, इसको 2 की, इसको 3 की, तो 2 2 तो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई डबल बॉन्ड से, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक, देख पा रहा है ठीक है। लेकिन अभी भी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, कैसे नहीं पूरी होगी, क्योंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन थे आपके, कितने लास्ट में थे, 5 थे, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने यहाँ पे रख दिए अपने, ठीक है। अगर ऑक्सीजन को देखो तो ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से 2 इसने यहाँ पे रख दिया, तो अब ऑक्सीजन को अगर देखो तो इसके 6 से 2 ये ले लिए तो इसका ऑक्टेट तो पूरा हो गया। इस नाइट्रोजन को अगर देखो तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 2 3 2 5, और ये कितने हो गए आपके 6 7 7 ही तो हुए इसके पास इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो, देख पा रहे ठीक है, मॉलिक्यूल तो बन गया लेकिन ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है इसका, और इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर देखो तो 2 4 यहाँ पे पेयर में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अगर देखो तो पेयर्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन है ना बीच में, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, क्लियर है बात, तो इसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, देख रहे हैं नाइट्रोजन का पूरा ही नहीं हुआ। जैसे मान लो एनओ टू है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार कॉम्पिटिटिव, एनओ टू मॉलिक्यूल को अगर देखो
तो आप कैसे बना सकते हो? अगर आप देखो तो ऑक्सीजन को दो चाहिए होते हैं, तो आप ऐसे बना दो। तो अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? ये आपके दो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, दो इसने ले लिए, ठीक है, चार इसने शेयरिंग में दे दिए। तो अब नाइट्रोजन के पास अगर वैसे देखो तो एट हो जाएगा, क्या ज़्यादा हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन? इसके लास्ट में फाइव थे, ऑक्सीजन के लास्ट में सिक्स थे, तो इसको रिक्वायरमेंट था आपका टू का और इसको रिक्वायरमेंट था थ्री का। तो इसने तो टू ही लिए क्योंकि इसने डबल बॉन्ड बनाया, इधर वाले ऑक्सीजन ने भी टू ही लिए क्योंकि डबल बॉन्ड बनाया। लेकिन अगर नाइट्रोजन को देखो तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए क्या? तो इसको रिक्वायरमेंट तो तीन का ही था ना। रिक्वायरमेंट इसको तीन का था लेकिन इसके पास कितने हो गए? चार हो गए, मतलब बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग इसके पास कितने हो गए आपके? चार हो गए इलेक्ट्रॉन। तो जब इस तरीके का मॉलिक्यूल बनता है तो इस तरीके के मॉलिक्यूल में क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके के मॉलिक्यूल में हम लोग ऐसे दिखाते हैं पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि इसने क्या किया, नाइट्रोजन के पास लास्ट में फाइव इलेक्ट्रॉन थे, दो की बॉन्डिंग इधर से करी, दो की बॉन्डिंग इधर से करी, चार की बॉन्डिंग कर ली तो एक रिमेनिंग बचा। चार इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट अगर नाइट्रोजन के कर लेते हैं, भाई दो ये चार इन्होंने पार्टिसिपेट कर लिए अगर बॉन्डिंग में, तो इसका मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा अपना। और एक ही इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास बचता है तो इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे दिखा दिया। अब इस पे हमको पॉजिटिव चार्ज क्यों दिखाना पड़ा? पॉजिटिव चार्ज इसलिए दिखाना पड़ा क्यों, क्योंकि चार इसने दे दिए अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, चार इलेक्ट्रॉन दे देगा अगर ये, तो चार इलेक्ट्रॉन इसको देने की क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, इसको तीन ही बॉन्ड बनाने थे, तीन की रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हमें दिखाना। अब ये पॉजिटिव चार्ज दिखाने के बाद ही ये स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट माना जाता है। और पॉजिटिव चार्ज के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ये पेयर में है, ये पेयर में है, ये सब पेयर में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये ऑड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। नाइट्रोजन की कहानी क्या थी? लास्ट में फाइव है तो इसके पास थ्री का ही रिक्वायरमेंट था, मतलब अगर ये अपने तीन इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके सिंगल बॉन्ड बना ले एक एक, तो इसकी बात बन जाएगी, तीन किसी से शेयर कर लेंगे। भाई इसके पास पांच इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, तीन किसी और से मिल जाए तो थ्री प्लस टू फाइव तो ऑलरेडी है, ये इसका एट पूरा हो जाएगा। इस तरीके का अगर सिस्टम कोई बन जाए तो बात इसकी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन जो NO2 मॉलिक्यूल था, NO2 में क्योंकि दो ऑक्सीजन थे तो दोनों ऑक्सीजन को भी दो दो की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसके पास सिक्स है ऑक्सीजन तो दो दो की रिक्वायरमेंट है। तो अब दो दो बॉन्ड बन गए अगर यहाँ, तो दो दो बॉन्ड बनने का क्या मतलब है कि नाइट्रोजन अपने क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने चार इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहा है, यहाँ पे आइडियली इसको तीन को यूज़ करना था, इसने यूज़ कितने किए अपने, चार इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर दिया। जब चार इलेक्ट्रॉन को इसने यूज़ कर दिया तो पांच इलेक्ट्रॉन टोटल इसके आउटर शेल में थे, चार को इसने बॉन्डिंग में यूज़ कर लिया तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही बचा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे हम देखें तो नाइट्रोजन ऑक्टेट से ज़्यादा चला जाएगा, भाई एट होने चाहिए थे, अगर इसके इलेक्ट्रॉन को काउंट करो तो इसके पास नाइन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्या? तो अगर इसको बैलेंस वे में लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि इसको पॉजिटिव चार्ज दे दो, तो अगर इस नाइट्रोजन को आप पॉजिटिव चार्ज दे देते हो तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफ़र कर दिया, शेयरिंग नहीं किया। ये जो एक इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब बताया गया वो कैसे बताया गया, कि इसने शेयरिंग नहीं करी है, एक इलेक्ट्रॉन को इसने ट्रांसफ़र।
तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल बनता है। अब यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है दूसरी तरफ, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव। क्योंकि अगर कोई स्पीसीज ऐसे दिखाई जा रही है न्यूट्रल, तो इसका मतलब उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज आप दिखा सकते हो उतना ही सेम निगेटिव चार्ज दिखाओगे। तो यहाँ अगर तुमने पॉजिटिव दिखा दिया तो यहाँ पे आपको निगेटिव दिखाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिलके क्या बनाएंगे, न्यूट्रल। क्लियर है बात? अभी ये स्ट्रक्चर बनाना और हम लोग सीखने वाले हैं। अभी बस इतनी बात हमें सीखनी थी कि यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन, इतनी बात तो क्लियर हुई। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन रिच वाला था इसको हमने एक नाम तो एक्सपेंडेड दिया था, और एक और इसको हम बोल सकते हैं, एक नाम और दे सकते हैं इसको, हाइपर वैलेंट। हाइपर वैलेंट का मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन आपके उसको चाहिए थे, वैलेंसी के लिए उसको चाहिए थे, उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं, अगर उसको मिल जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर वैलेंट। क्लियर होती। अब इसमें कुछ और एक्सेप्शन है, जैसे कि जो ऑक्टेट रूल कहता है, ऑक्टेट रूल कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास है तो उसको बॉन्डिंग करने की जरूरत ही नहीं, क्यों बॉन्डिंग करेगा, ऑक्टेट तो उसका कंप्लीट है। लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी देखे गए जिसमें कि ऑक्टेट तो कंप्लीट है लेकिन फिर भी वो कंपाउंड बना रहा है वो एलिमेंट। तो जैसे इनर्ट गैस ज़ीनॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो इसके रूल के अकॉर्डिंग इसको कंपाउंड्स नहीं बनाने चाहिए। कंपाउंड बनाने का क्या मतलब है, किसी से रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहा है, तो जब ऑक्टेट पूरा है तो क्यों रिएक्ट कर रहा है ना। ऑक्टेट रूल यही कहता है ऑक्टेट कंप्लीट है तो मत रिएक्ट करो। लेकिन ज़ीनॉन ऐसा है जिसके कंपाउंड नेचर में देखे गए हैं, जिसके कंपाउंड बनते हैं, तो ये भी एक्सेप्शन हो गया, ऑक्टेट रूल से अलग बात जा रही है। जैसे ज़ीनॉन कंपाउंड बनाता है HCF2, HCF4, HCF6, HCO3, HCO4, HCOF4, बहुत सारे कंपाउंड बनाता है ज़ीनॉन, जबकि ज़ीनॉन क्या है, इनर्ट गैस है, तो इसको बनाना ही नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल उसका कंप्लीट है, और लास्ट शेल अगर कंप्लीट है तो कंप्लीट होने के बाद, जैसे मान लो किसी का टमी अगर फुल है तो उसको खाना खाने की इच्छा होगी क्या, नहीं होगी। तो ऐसे ही एलिमेंट के लिए होता है कि एलिमेंट अगर 8 इलेक्ट्रॉन है उसके पास तो उसको बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं, तो उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ऑक्टेट रूल कहता है, ज़ीनॉन के बहुत सारे कंपाउंड देखे गए हैं जो ये कंपाउंड्स हैं, तो इसका मतलब ज़ीनॉन फ्लोरीन से बॉन्डिंग कर रहा है, ज़ीनॉन ऑक्सीजन फ्लोरीन दोनों से बॉन्डिंग कर रहा है, क्रिप्टन फ्लोरीन से बॉन्डिंग करता है, तो ये तो ऑक्टेट रूल के खिलाफ बात हो गई ना, तो एक्सेप्शन हो गया। क्लियर है सबको? अब एक छोटी सी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा था कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग से बने, लेकिन ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, ये भी दो तरीके का हमें देखने को मिलता है,
दो टाइप्स कौन कौन से हैं इसके, एक को बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरे को बोलते हैं नॉन पोलर। ठीक है, अब पोलर क्या है? देखो, पोल्स का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर, यही तो बात होती है पोल्स का मतलब। फिजिक्स केमिस्ट्री में पोल का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से लेते हैं। ठीक, तो कोवेलेंट बॉन्ड तो है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में पोल्स कहाँ से आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ गए? ठीक है, पोलर क्यों बोलने लगे? क्योंकि कोवेलेंट में तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता नहीं है, आयनिक में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से चार्ज आते हैं, ये हमें बात अभी तक पता थी। देखो, जैसे मान लो हम बात करते हैं Cl2 मॉलिक्यूल की, तो Cl2 मॉलिक्यूल को अगर देखो तो Cl2 का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना होता है भाई, Cl के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये Cl क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है क्योंकि इसको 8 चाहिए, तो खुद के इसके पास 7 होते हैं, एक एक की शेयरिंग कर लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके पास सिंगल बॉन्ड बन जाता है। अब इस बॉन्ड को अगर ध्यान से देखो तो इसके इस तरफ भी Cl है, इस तरफ भी Cl है, और एक चीज होती है, एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था हमने, है ना? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या थी? पावर टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया उसको पुल करने का जो पावर होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो अगर यहाँ पे देखें, इस बॉन्ड को हम बात करें Cl-Cl बॉन्ड की बात करें, तो यहाँ पे ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनके Cl-Cl के बीच में, इधर भी Cl है और इधर भी Cl है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर से कौन पुल करेगा, Cl, और इधर से भी Cl पुल करेगा, सेम एटम है, तो इनकी पावर भी क्या होगी, सेम होगी पुल करने की, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी सेम होगा। तो जब सेम पावर से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन एटम्स के बिल्कुल बीच में होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, मिडिल में। तो ऐसे केसेस में कोई चार्ज डेवलप होता ही नहीं है मॉलिक्यूल के अंदर, नो चार्ज डेवलपमेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर को ऐसे बॉन्ड्स। कोवेलेंट तो है लेकिन कोई पोल्स डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि ये भी सेम पावर से खींच रहा है, ये भी दोनों Cl ही है तो सेम पावर से खींच रहा है। लेकिन अगर हम बात करें पोलर कोवेलेंट की, तो पोलर कोवेलेंट में जैसे एक एग्जांपल हम लें HF का, ये जो HF बनता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसकी कहानी क्या होती है? फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है, हाइड्रोजन के पास एक ही होता है, तो ये इस तरीके से बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन को 2 करने होते हैं, फ्लोरीन को 8 करने होते हैं, ऐसे बॉन्ड बनता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो शेयर्ड पेयर को एक तरफ से कौन पुल करेगा, हाइड्रोजन, और एक तरफ से कौन पुल करेगा, फ्लोरीन। लेकिन अगर पीरियोडिक टेबल को हम लोग पढ़ें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को पुल करने का पावर पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो होता है वो फ्लोरीन का होता है, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो, मान लो यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, अब इधर से हमने बोल दिया कि विदुषी आप पुल करो इसको,
और इधर से मान लो हमने बोल दिया कि हेमांग आप इसको खींचो, और हमने बता दिया कि हेमांग का पावर है 100 न्यूटन और विदुषी का पावर है 60 न्यूटन, तो इस ब्लॉक को किधर जाना है? हेमांग की तरफ जाना है, ऑब्वियस ही बात है, इधर से फोर्स ज़्यादा लग रहा है, इधर से कम लग रहा है, तो विदुषी के हाथ से तो ये छूटना ही है और हेमांग की तरफ ही मूव करना है। क्लियर? तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर अगर पुल होता है और एक की पावर ज़्यादा होती है, जैसा कि यहाँ पे फ्लोरीन की ज़्यादा और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो फ्लोरीन इस पेयर को पुल करेगा जब अपनी तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का ही है, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, तो पेयर को जब पुल करेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जो Cl2 के केस में बिल्कुल बीचों बीच में थे, बिल्कुल सेंटर में था ये पेयर, वो HF के केस में क्या होगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है ये जो पेयर होगा, ये थोड़ा सा फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्डिंग तो रहेगी इनके बीच में लेकिन ये थोड़ी सी इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स फ्लोरीन, क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है भाई खींचने की। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होती है ना, वैसे ही इस पे एक इमेजिनरी चार्ज डेवलप हो जाता है, या पार्शियल चार्ज डेवलप ऑन बोथ एट, ठीक है? जैसे मान लो आयनिक बॉन्ड की जब हम बात करते थे तो बोलते थे कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना, तो वो क्या बन गया, Na+ बन गया, और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो Cl- बन गया। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर निगेटिव चार्ज, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल देता है तो पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अगर अवे करता है तो पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन को अगर क्या करता है, अपने क्लोज करता है, पास लाता है तो निगेटिव। यहाँ पे फ्लोरीन के पास आ रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर और हाइड्रोजन से दूर जा रहा है, इसलिए इसके ऊपर एक पार्शियल चार्ज, जिसको ऐसे डेल्टा से डिनोट करते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ये एक इमेजिनरी चार्ज है ऐसे दिख, इसलिए इसको डेल्टा से डिनोट किया जाता है, पार्शियल चार्ज डेवलप होता है, और इस पर उतना ही पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर पार्शियल नेगेटिव, और जिससे दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन उस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और इमेजिनरी चार्जेस डेवलप होते हैं, इमेजिनरी भी बोल सकते हैं। तो अगर आप देखो तो इस मॉलिक्यूल के अंदर, बाहर से तो आपको चार्ज नहीं दिख रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल डेवलप हो गया। और दोनों पोल्स डेवलप हो गए, इसीलिए इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल में कैसा कोवलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल पावर से नहीं खींचा जाएगा, किसी की पावर ज़्यादा किसी की पावर कम, किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसी की कम, उसमें कैसे मॉलिक्यूल हो जाएगा, पोलर कोवलेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक पार्शियल इमेजिनरी चार्ज डेवलप होगा। क्लियर है बात? और जहाँ पे सेम एटम होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में होता है, तो वहाँ पे कोई भी चार्ज डेवलपमेंट नहीं, तो उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट, और इसको हम बोलते हैं पोलर को। सबको क्लियर हो गया? चलो आगे बात करते हैं। अब हम लोगों को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। का बहुत काम आता है इस चैप्टर में, तो हमें ये बनाने आना चाहिए।
लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बनाने के कुछ रूल्स कैसे बनाएं। इसमें पहला रूल याद रखेंगे कि क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं टोटल, ठीक है। टोटल का क्या मतलब है, जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं CH4 की, तो हमको पता है एक कार्बन है इसमें दिखाई दे रहा है और चार हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, तो कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार होते हैं, इसका मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, और हाइड्रोजन के लास्ट में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, और ये कितने हैं, हाइड्रोजन एटम 4 है, तो इसके लास्ट में 4 होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर निकालो इस मॉलिक्यूल में तो 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ये किसके इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल, जिसको हम वैलेंस शेल। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबके टोटल आउटर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है ये पॉइंट। जैसे मान लो हमें CCl4 बनाना है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसके लास्ट में 4 होगा, एक ही कार्बन है तो 4 होगा इसके। Cl को देखो अगर, तो Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसके लास्ट में 7 होते हैं। अब यहाँ पे 4 Cl हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जोड़ने होते हैं हमें, तो कितने हो जाएंगे, 28 आ जाएगा, और ये 4 है, दोनों को ऐड करके टोटल इलेक्ट्रॉन पहले कैलकुलेट करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम हमें करना है कि सेकेंड काम हमें करना है कि अगर कोई चार्ज स्पीसीज, कोई भी अगर आप चार्ज स्पीसीज लेते हो, तो चार्ज स्पीसीज में क्या स्टेप्स देखते हैं, हम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। चार्ज्ड है अगर, तो उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन टोटल निकालने का। तो अगर मान लो माइनस चार्ज है, एनायन है, तो माइनस चार्ज वाले भी क्या करते हैं, जितना माइनस चार्ज होता है पहले टोटल निकालो, फिर प्लस इलेक्ट्रॉन कर दो, जितना भी माइनस चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन प्लस करने पड़ेंगे। जैसे मान लो ये CO3-2 का हमको बनाना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो कार्बन 1 दिखाई दे रहे हैं, ऑक्सीजन 3 दिखाई दे रहे हैं, इन सब के इलेक्ट्रॉन तो हम लोग ऐड कर लेंगे सिंपली, और -2 का चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने पड़ेंगे। कैसे देखते हैं, करते हैं। जैसे कार्बन की बात करो, तो कार्बन के लास्ट में 4 होते हैं, तो यहाँ एक ही कार्बन है, तो इस पर 4 इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। ऑक्सीजन की अगर बात करो, तो ऑक्सीजन के लास्ट में 6 होते हैं, 3 ऑक्सीजन है तो कितने हो गए, 3 हो गए, 18 हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन और ये हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, तो 4 + 18 कितना आ गया, 22 आ गया। अब इस 22 टोटल तो आपने कर लिया 22, अब जितना माइनस का चार्ज है ना वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो उसको भी ऐड करना है, -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर, तो 24 आ गया टोटल। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसमें, 24। अब अगर पॉजिटिव वाली स्पीसीज है, तो पॉजिटिव वाले में माइनस कर, जैसे मान लो कैटायन है, कैटायन का मतलब पॉजिटिव। अभी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अभी तो केवल इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर, पॉजिटिव चार्ज है मान लो, ठीक है, जैसे मान लो ये NH4+, तो इसमें देख लेते हैं, नाइट्रोजन के लास्ट में होते हैं 5,
हाइड्रोजन के लास्ट में होते हैं 1, तो नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के लास्ट में 1 होते हैं तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 × 1, तो टोटल कितने आ गए, 5 + 4 = 9 आ गए। अब ऊपर एक पॉजिटिव का चार्ज भी है, तो नेगेटिव वाले चार्ज में तो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, पॉजिटिव वाले में इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो एक ही पॉजिटिव चार्ज है तो 9 - 1 इलेक्ट्रॉन कर दो तो 8। अब यहाँ पर टोटल हमने कैसे निकाला, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर बनाने में देखते क्या है, जो आपका लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उसको सेंटर में रखना होता है, उसको हम बनाते हैं क्या, सेंट्रल एटम। अब आप बोलोगे ये कैसे पता लगेगा, तो कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बता देंगे, जो ज़्यादा यूज होते हैं उसमें जो सबसे जिसकी कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी उसको हमको किस में रखना है, स्ट्रक्चर बनाते वक्त सेंटर, क्लियर है, ठीक। अब दूसरा काम क्या करेंगे, सबसे पहले साइड एटम के बॉन्ड बनाएंगे और उनको इलेक्ट्रॉन से डिनोट करें। देखेंगे कि साइड एटम के पूरे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं, और बाकी उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो साइड एटम है उसके बॉन्ड जब बना लेते हैं जो भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम लोग लोन पेयर के फॉर्म में दिखाते हैं। लोन पेयर का मतलब होता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे, इलेक्ट्रॉन पेयर विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। यहां तक की बातें क्लियर है, उसके बाद क्या देखना है कि फिर उसके बाद देखते हैं कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं, कोशिश करते हैं कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। क्लियर, और इन स्ट्रक्चर्स को बनाने में सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बनाया जाता है, फिर अगर कंप्लीट नहीं होता है तब डबल बॉन्ड का नंबर आता है, फिर भी अगर कंप्लीट नहीं होता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले सबके बीच में कैसा बॉन्ड बनाना है हमें, सिंगल, फिर उसके बाद क्या बनाना है, डबल, फिर उसके बाद क्या बनाना है, ट्रिपल। अब जैसे मान लो हमें H2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो क्या करें, पहले तो टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, हाइड्रोजन के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हाइड्रोजन है तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, अपना 2 आ गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 हाइड्रोजन के बीच में। तो आपको बताया सबसे पहले क्या करना है, सिंगल बॉन्ड बनाना है, सिंगल बॉन्ड बना दो,
और सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड का मतलब यही तो है, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड का मतलब यही होता है। तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या हो गया ऐसे, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो हमको बनाना है NF3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पहले कैलकुलेट करें। नाइट्रोजन के होते हैं 5, एक फ्लोरीन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो 3 फ्लोरीन में हो गए 21। 21 प्लस 5 कितने हो गए आपके, 26 हो गए। अब इन 26 इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब इसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सेंटर में किसको रखना है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन की कम होती है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी उसको सेंटर में रखना है। मतलब नाइट्रोजन को बनाना है सेंट्रल एटम, बना दिया। अब 3 फ्लोरीन लगा दिए चारों तरफ, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इनके बीच में बनाने हैं सिंगल बॉन्ड केवल। बना दिए सिंगल बॉन्ड का मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन दिखा। अब दो दो इलेक्ट्रॉन दिखाने के बाद अगर आप बात करो तो आपने कितने इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 को दिखा दिया ना। अब कितने दिखाने हैं इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर में, 20 दिखाने हैं, क्योंकि टोटल कितने हैं, 26 है, यस और नो, ठीक है। अब क्या करें, अब देखते हैं भाई, अब फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। तो फ्लोरीन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, एक यहाँ पे दिखा दिया आपने, तो 6 6 यहाँ पे दिखा सकते हैं, मतलब 18 दिखा सकते हैं यहाँ पे, सॉरी, हाँ 6 6 दिखा सकते हैं। तो पहले आपने ये 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने के बाद अब 20 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे थे, और 20 इलेक्ट्रॉन में से अगर हम देखें तो हमने कितने दिखा दिए, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, तो इसका मतलब हमने 18 और दिखा दिए। पहले 6 दिखाए थे, फिर 18 और दिखा दिए, तो अब कितने हो गए अपने इलेक्ट्रॉन, 24 हो गए क्या। अब दो इलेक्ट्रॉन और दिखाने हैं। अब इसको फ्लोरीन को अगर देखो तो फ्लोरीन का 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे ज़्यादा आप इसके पास शो नहीं कर सकते। तो अब सेंट्रल एटम पे आ जाते हैं, तो सेंट्रल एटम पे दो और दिखा देते, तो सेंट्रल एटम को देख लेते ऑक्टेट हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 और 6 7 8, इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया और इलेक्ट्रॉन भी हमने तरीके से दिखा दिया। तो ये होगा इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये जो थे ये बड़े सिंपल सिंपल थे, अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग थोड़े कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, चलो बच्चों।